हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। व्यास व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी परे परे से आपको दिखाई दे रही ये धूप लग रही है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरे यहाँ पर 9 बजे पहुँचेगी धूप। तो मैं भी आज सुबह सुबह आया हूँ अखरोट गिराने के लिए। ये लाया मैंने अपने साथ लंबा सा डंडा और लाया है पीटा। पीटे पर चढ़ के इस पेड़ पर चढ़ूंगा। देखो कितना ऊंचा है ये पेड़। और साथ में मैंने रस्सी भी लाई है। ये रस्सी भी लगाऊंगा मैं इस पेड़ में यहाँ से ऊपर को चढ़ने के लिए। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं बताऊंगा आपको कि इस पेड़ में कितने अखरोट है और कितने अखरोट निकलेंगे गिराने के बाद। तो वीडियो छोड़ के मत जाना, बने रहना इसी वीडियो में। तो चलो चलते हैं, गिराते हैं अखरोट। ये मैं जो जंगली मधुमक्खी होती है वो भी है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पास कैसे पहुँच गई। ये देखो यहाँ पर भी एक और भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो एक यहाँ पर भी है। अगर यहाँ इनका घर हुआ तब तो अखरोट गिराना मुश्किल हो जाएगा। फिर नहीं गिराऊंगा मैं अखरोट, क्योंकि ये तो काटते हैं। अगर इनका जो डंक होता है ना, उससे तो बुखार तक आ जाता है, इतने खतरनाक होते हैं। ये देखो दोस्तों, इस तरह से लगे हैं इसमें अखरोट। इनको गिराएंगे हम नीचे। बड़े मुश्किल होते हैं ये गिराने। ये देखो इस तरह से गिराएंगे। अब बताऊंगा मैं आपको किस तरह से गिराते हैं इनको ऐसे। ये तो चलो खैर नज़दीक था। ऐसी तरह से गिराएंगे, दूर दूर वाले भी इसी तरह से गिराने पड़ते हैं। यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। बहुत टाइम लगता है इसको गिराने में। इसी तरह से गिराऊंगा मैं सारे अखरोट। देखो ऐसे तोड़ के भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो कुछ इस तरह से अखरोट है यहाँ पर लगे हुए। तो चलो गिराता हूँ मैं, उसके बाद नीचे जब गिर जाएंगे तो फिर बनाऊंगा मैं वीडियो। पेड़ में लंकू भी लगे हैं दोस्तों। ये देखो नज़दीक करके दिखाता हूँ मैं। इसकी बेल इस पेड़ में चढ़ गई है, पूरे में फैल गई है। ये देखो ये है लंकू की बेल, ये वाली। इसमें लंकू भी लगे हैं छोटे छोटे। ये देखो परे से भी गई ऊपर तक, यहाँ से ऊपर को गई है। ये देखो दोस्तों, जो अखरोट मैंने गिराए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि कहाँ है वो अखरोट। ये देखो ये है वो अखरोट। यहाँ देखो उठाने के लिए भी है बहुत सारे। ये उठाने पड़ेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ भी गिरे हैं। जमीन को इकट्ठा करेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी है देखो, ऐसे ये है वो अखरोट। देखो गिराते गिराते मेरे को मेरी दादी याद आ गई आज। इतना खतरनाक पेड़ था। ठहरो मैं आपको पेड़ दिखाता हूँ। ये देखो कितना ऊंचा है ये अखरोट का पेड़। और देखो हाइट, देखो इसकी कितनी है, बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी। अब मैं इन अखरोटों को उठा लेता हूँ। उठाने के बाद जब सारे इकट्ठा हो जाएंगे तब बताऊंगा मैं आपको कि कितने अखरोट निकले इस पेड़ में। ये देखो ऐसे अखरोट है, ये बड़े बड़े अखरोट। तो इकट्ठा करके बताऊंगा मैं आपको। आपको दोस्तों तब तक के लिए वेट करो। देखो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अखरोट गिराए हमने ऊपर से।
बहुत ही मुश्किल था गिराने के लिए। अभी तो आधा पेड़ तो रह ही गया गिराने के लिए, बुरी हालत हो गई मेरी गिराते गिराते। अब मैं शाम को गिराऊंगा इनको। खरोटी खरोट, ये देखो यहाँ पर भी गिरे बड़े बड़े अखरोट है। ये देखो यहाँ रास्ते रास्ते से भी गिरे, देखो कितने गिर गए अखरोट ही अखरोट। बड़ा टाइम लगा इनको गिराने में दोस्तों। अखरोट खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं उतने ही गिराने में मुश्किल भी होते हैं। ये देखो यहाँ से भी गिरे अखरोट। अभी हम इनको उठाएंगे और इकट्ठा करेंगे इन सारे अखरोटों को, फिर बताऊंगा मैं कितने अखरोट हुआ मेरे पास। ये देखो ये लौंकू की बेल भी थी ऊपर चढ़ी हुई, तो मैंने सोचा इतनी हाइट में कौन जाएगा, तो मैंने वो लौंकू भी निकाल दिए। ये देखो टोकरी में निकाल दिए। इसकी सब्जी भी मिलाएंगे, खाने में कैसी होती है इसकी सब्जी ये तो खाके लगेगा पता। अभी तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आधा ही बना, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब शाम को जब गिराएंगे तब उसके आगे बनाऊंगा मैं वीडियो, तब तक के लिए वेट करना मेरे वीडियो का। ये देखो दोस्तों जो मैंने अखरोट गिराए थे वो अखरोट, कुछ एक अखरोट के मैंने छिलके निकाल दिए और कुछ एक अखरोट देखो ये ऐसे बच गए हैं। इनके छिलके निकालेंगे कुछ दिन के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पक्के छिलके हैं, ये निकल नहीं रहे हैं। और जितने अखरोट मैंने उस पेड़ से गिराए वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वो मैंने बोरी में डाले हैं सूखने के लिए। चलो उनके पास जहाँ पर मैंने बोरी रखी है सूखने के लिए। ये देखो दोस्तों जो मैंने अखरोट गिराए, अखरोट गिराने के बाद मैंने ये देखो ये मैंने बोरियों में सूखने डाल रखे हुए, और जब ये सूख जाएंगे तब ही हम ले जाएंगे अंदर। ये देखो इतने अखरोट हुए वो उस पेड़ के, 1200 अखरोट होने ये कम से कम। और सर्दियों में हम इनके सिद्धू खाएंगे, चटनी भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लाल बाब होते हैं ये अखरोट। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।